हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैंने आप लोगों के साथ ये ईद स्पेशल बकरीद स्पेशल मेकअप लुक क्रिएट किया है और आपको दिखाना भी चाहती हूं कि इस तरह से मैंने बहुत ही मिनिमम और बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों के साथ ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। बिकॉज जब हम गर्ल्स कॉलेज में होते हैं तो हमारे पास ना ही इतने पैसे होते हैं और ना ही हमारे पास इतना मेकअप होता है और ना ही हमें मेकअप की इतनी समझ होती है। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस लुक को क्रिएट किया है कि किस तरह से आप इस लुक को पा सकते हैं बहुत ही कम दाम में और बहुत ही मैं बोलूँ तो इजी तरीके से। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आपकी शादी होने वाली है, किसी भी तरीके से आप वजन कम करना चाहते हैं, तो मेरा एक मेन चैनल है बीइंग ब्यूटीफुल, वहाँ पे मैं उससे रिलेटेड डाइट प्लान और बहुत अच्छी एंड स्पेशल चीज़ें लेके आती हूँ। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उस चैनल का लिंक ऑलरेडी मैंने नीचे दे दिया है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं यहाँ पे लूँगी नायका का फेशियल ऑयल, जो हमारी स्किन को काफ़ी स्मूथ रखता है फाउंडेशन लगाने के बाद। और मैं प्राइमर नहीं यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ फेशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फेशियल ऑयल नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम लगा रही हूँ और आप देखिएगा इसका इफ़ेक्ट कितना ज़्यादा अच्छा आता है। बिकॉज मैं एक ऐसा लुक क्रिएट कर रही हूँ जो हर कोई अफोर्ड कर सके, इसलिए मैं बहुत ही मिनिमम और बहुत ही जो मैं बोलूँ बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ें लगा रही हूँ जो आपकी पहुँच रखो। और मैं इसमें कंसीलर भी नहीं यूज़ करूँगी, इसीलिए मैं इस फाउंडेशन की एक लेयर जो है वो अपने आईज़ के ऊपर भी लगा रही हूँ, तो वो फाउंडेशन का काम भी करेगा। ये फुल कवरेज जो है बीबी क्रीम फुल कवरेज नहीं देगी, बहुत ही लाइट कवरेज देगी। क्योंकि जब आप बकरीद या ईद में कहीं भी जाते हो तो वैसे तो COVID-19 चल रहा है, नहीं आपको जाना है, लेकिन फिर भी अगर आपका मिलना जुलना होता है तो ये एक ऐसा फाउंडेशन है, ऐसी बीबी क्रीम है जो बिल्कुल नेचुरल है और आपकी स्किन पे इस तरह से सेट होगी कि लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ लगाया है। तो एक मैं स्पॉन्ज की हेल्प से, जिसको मैंने वाटर में डिप किया हुआ है, उसके बाद इसे अच्छे से सेट करूँगी डैबिंग मोशन में। फाउंडेशन या बीबी क्रीम हमेशा डैबिंग मोशन में सेट करिए, तभी वो अच्छे से जाती है। तो एक छोटा सा मिरर लेके जब आप इस तरह से मेकअप करते हो तो स्किन बहुत पास से आपको दिखाई देती है, जिससे कि कुछ भी हार्शनेस नहीं दिखाई देती फेस पे, एक एक चीज़ आपको समझ में आती है। इसलिए एक छोटा सा मिरर हमेशा अपने पास रखिए जब भी आप मेकअप करें। तो इस तरह से मैं अपनी बीबी क्रीम को सेट करूंगी। इसके बाद लूज पाउडर से या कॉम्पैक्ट पाउडर से मैं अपने आंखों के पास सेट करूंगी, ताकि मैं अच्छे से जो है जब आई शेडो लगाऊं तो अच्छा सा लुक आए। इसके बाद मैं एक आईब्रो पेंसिल, ये लैक्मे की आईब्रो पेंसिल है और मेरी मोस्ट फेवरेट है, चाहे जितने भी ब्रो किट आ जाए, चाहे जो आ जाए, लेकिन इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और आप देखेंगे भी कि इस पेंसिल से कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। इसके बाद एक पुली की हेल्प से आप इसे सेट करिए और आप मैं देखूँ आप खुद सामने इसका विजिबल रिजल्ट देख सकते हैं कि आईब्रोज कितनी नेचुरल लगती हैं और बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपने कुछ लगाया हुआ है। तो इस तरह से आपको ये सेट करना है। उसके बाद मैं लगाऊंगी आई शेडो, और आई शेडो बिकॉज मैंने आप देख लीजिए कि जिस भी मैचिंग का कुर्ता पहना है हल्का सा ब्लू है एंड येल्लो है, तो मैं बहुत ही लाइट शेड के जो है वो आई शेडो अप्लाई करूँगी। क्योंकि आप इसको दिन में भी कैरी कर सकते हो, नाइट में भी कैरी कर सकते हो। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हल्का सा कॉपर एंड गोल्डन कलर जो अप्लाई करूँगी अपनी क्रीज लाइन पे, जिससे कि बहुत अच्छे से सेट हो। और बहुत ही मतलब मिनिमम थोड़ा थोड़ा कलर लेके पहले कलर लीजिए, फिर ब्रश को झाड़िए, देन उसके बाद लगाइए। इससे क्या है कि एक साथ कलर डिपॉजिट नहीं होगा आपके आईज़ पे, और अगर एक साथ आपने बहुत ही ज़्यादा डिपॉजिट कर लिया तो आप उसे ब्लेंड नहीं कर पाओगे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको ब्लेंड करना है और आप देख रहे हैं बहुत ही लाइट कलर आ रहा है और बहुत ही धीरे धीरे कलर आ रहा है। तो इसी तरह से मैं उस साइड पर भी ये करूँगी, तो आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल नेचुरल आ रहा है, कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बोल रही हूँ ये एक नेचुरल मेकअप है।
तो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल मेकअप ही होने वाला है, तो बहुत ही लाइट कॉपरी कलर आ रहा है। और इसके बाद मैं यहाँ पे जो है ब्लू कलर लूँगी, और ये मेरा आईलाइनर है जिसे मैं एज अ आई शेडो यूज़ करने वाली हूँ। तो बहुत अच्छे से अपने आईज़ पे इसे सेट करिए, और आप ब्रश की हेल्प से भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं और फिंगर, लेकिन ये क्योंकि हमारा आईलाइनर है तो हम इसे फिंगर की ही हेल्प से सेट करेंगे और तभी ये अच्छे से ब्लेंड होगा। ऐसे लगा कि आपको छोड़ नहीं देना है, वरना कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसे अपनी आईज़ पे लगाना है। पहले अच्छे से लगा लीजिए पूरा एक कोट, और पहले मैंने ब्रश की हेल्प से करने की कोशिश की थी लेकिन ये हुआ नहीं, फिर मैं आईज़ से ही इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और ब्लेंडिंग में हमेशा बोलती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो चाहे आई शेडो की हो और चाहे फाउंडेशन की हो और चाहे जिस भी चीज़ की हो, ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। इसी तरह मैं इसे अपनी दूसरी आईज़ पे भी लगा लूँगी, और आप देख सकते हैं बहुत ही नेचुरल सा और बहुत ही अच्छा सा, जब आप फाइनल लुक इसका देखेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि कितना अच्छा इसका जो है लुक आया है। एक छोटा सा मिरर मैं हम फिर से बोल रही हूँ, ज़रूर अपने पास रखिए, क्योंकि मिरर बहुत ही बड़ा सा मिरर में आप उतने अच्छे से नहीं देख पाओगे, लेकिन छोटे से मिरर से आप बहुत अच्छे से देख पाओगे। तो इस तरह से इसको भी मैं फिंगर से जो है ब्लेंड कर लूँगी, तो आप देख सकते हैं इवन कलर जो है दोनों आँखों पर आया है। और अगर आपके साथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो छोटा सा मिरर आज जब आपके पास रहेगा ना, तो आपको सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो इस तरह से इस आई शेडो को अप्लाई करना है। देन उसके बाद फिर आपको हल्का सा कॉपरी कलर लेके दोनों चीज़ों को ब्लेंड करनी। देखिए अभी ये जो चीज़ आपको मेरी दूसरी आँख पे अलग अलग दिखाई दे रही है, जब आप ब्लेंड कर लेंगे ना तो ये आपको दोनों कलर्स आपस में मिले लगेंगे, और कहीं से कोई पता नहीं लगा पाएगा कि ये चीज़ ये कलर कहाँ से आया है और ये कलर कहाँ से आया है। इसके बाद सेम ब्लू काजल से की एक लाइन मैं नीचे लगाऊंगी, काफ़ी अच्छा सा लुक आएगा। पहले मैं लगा रही थी उससे, लेकिन उतना उस अच्छे से नहीं लग पा रहा था, तो मैंने सेम कलर का आई शेडो लिया है और आई शेडो के ऊपर बाद में मैं इस पेंसिल को लगाऊंगी, तब बहुत अच्छे से इसका लुक जो है वो क्रिएट होगा। तो सेम आप देख सकते हैं, सेम आई शेडो मैं अपने नीचे की आंखों पे लगा रही हूँ, और मैं फिर से बोल रही हूँ बहुत ही सिंपल सा लुक होने वाला है। मे बी अभी आपको आईज़ बोल्ड लग रही हूँ, लेकिन ये आईज़ अभी इतनी बोल्ड नहीं लगेंगी। और इसके बाद मैं नायका की काजल से ही लाइनर लगाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि जब आप काजल कोई दूसरा सॉरी आईलाइनर थोड़ा दूसरा लगाते हैं, जेल आईलाइनर, तो उतना ज़्यादा जो है आता है, लेकिन जब वो आप नाइट मेकअप में करिए या पार्टी मेकअप में करिए, जब मुझे इस तरह का मेकअप करना होता है तो मैं यही काजल यूज़ करती हूँ। और एक मैट फिनिश भी आती है, और दिन के मेकअप के लिए मैट फिनिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मेकअप के लिए। तो इस तरह से मैं इसे लगाऊंगी, और मैंने दोनों आईज़ पे लगा लिया है। इसके बाद ये मेरे पास ब्लू हेवन का एक काजल है, और काफ़ी दिन पहले मैं इसे लेके आई थी, लेकिन जब आज मैंने इसे अप्लाई किया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। शायद एक स्ट्रोक मैं बोलूँ तो एक स्ट्रोक में इसने मेरा काम बना दिया। नायका का काजल मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन नायका के काजल बस यही है, वो स्मच फ्री है, ये स्मच फ्री नहीं है। तो इसे मैं अभी जो है स्मच फ्री बनाऊँगी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कैसे। तो इस तरह से मैं इसे दोनों आईज़ पे अपने लगा लूँगी। जब मैं काजल या इस तरह से कोई चीज़ करती हूँ तो मेरी आँखों में थोड़ा से आंसू आ जाते हैं, तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम रहती है हमेशा, वो मैं चाहे आईज मेकअप करूँ या कभी भी मेकअप करवाऊँ। और इसके बाद आप देख लीजिए ब्लैक आई शेडो की हेल्प से मैं इसे स्मच फ्री बनाऊँगी, यानी कि आपको उसी काजल के ऊपर हल्का सा इससे ब्लेंड करना है ताकि ये फैले नहीं। और यहाँ पे मैंने जो है अपनी पलकें भी लगा ली हैं, जो कि काफ़ी सुंदर है, और ये पैक की आईलैशेस हैं। और उसके बाद मैंने बोला था मैं ब्लू लाइनर भी लगाऊंगी नीचे, तो ब्लू लाइनर का भी एक शेड आ गया है काजल काजल के ऊपर, ये काफ़ी अच्छे से सेट हुआ है, बहुत ही लाइट सा शेड आया है, बहुत ज़्यादा शेड नहीं आया है। तो आईज़ आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही नेचुरल लग रही हैं। उसके बाद मैं अपने कंटूर स्टिक से अपने फेस को हल्का सा कंटूर करूँगी, बहुत ही लाइट उसमें, ताकि बहुत मतलब हो भी जाए और ज़्यादा आपको पता भी ना चले। तो इस तरह से मैं कंटूर करूँगी अपने फेस को। और इसके बाद मैं बहुत ही अच्छे से ब्लश लगाऊंगी,
और हल्का सा डार्कर शेड में बोलूँ तो मैं अप्लाई करूँगी, जो कि बहुत ही नेचुरल लगे। पिंक शेड वेड नहीं अप्लाई करूँगी मैं यहाँ पे, हल्का सा डार्कर शेड अप्लाई करूँगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल लुक आ रहा है, और बहुत कहीं भी फेकनेस या हार्शनेस या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये फेक मेकअप लग रहा है, बहुत ही स्किन टोन के साथ सेट हो रहा है। उसके बाद मैं हल्की सी नोज़ को कंट्रोल करूँगी। वैसे मुझे नोज़ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैं बहुत ही लाइट सा कंट्रोल करूँगी पूरे मेकअप को सेट करने के लिए। और इसके बाद मैं जो है हाइलाइटर लगाऊंगी अपने ब्राइ आईब्रोज़ के पास। और अगर आपके पास हाइलाइटर ये सारी चीज़ें अलग नहीं है, तो जो आपका आई शेडो पैलेट है ना, आप वहाँ पे लगाइए। और इसके बाद आप देख सकते हैं जैसे ही आप हाइलाइटर लगाते हैं, आपकी नोज़ शाइन करने लगती है, आपका फोरहेड शाइन करने लगता है, और ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेकअप के लिए। तो आप इसे लेके रख लीजिए, या फिर आप जो है अपने आई शेडो पैलेट से भी इसे लगा सकते हैं। एक वहाँ पे हाइलाइटर होता है। इसके बाद क्योंकि थोड़ा सा आईज़ बोर्ड लग रही हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिप कलर जो है बिल्कुल सिंपल कर दिया है, और हल्का सा ब्राउनिश कलर लिया है, और ये 95 का लिप कलर है, बहुत ही सुंदर शेड है। तो इस तरह से ये मेरा फाइनल लुक जो है कंप्लीट होता है। आई होप गाइज आपको मेरा ये लुक और सिंपल सा लुक बहुत पसंद आया होगा, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को भी बहुत ही जल्दी 1 लाख तक पहुंचाइए। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पसंद आया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।